और लाल किले भी जाना पे झंडा थले नहीं हो देंगे। कोई खंजीर खंजीर जरूर है लेकिन वो मुस्तफा रसूल नहीं। उस जड़ी मलूना ने भारत गल की थी उसके वास्ते मैं थोड़े हाथ चुका के ओ मोदी ओ कुफर किली आला ओ कहंदा कि मैं मुजम्मत नहीं करता। मैं कहा ठीक है तू ना कर फिर लबैक आले तेरी मुरम्मत करेंगे। क्योंकि बाबा जी सानू दस के ध्यान के सचरत ने रखी हजूर वास्ते और किस हाल में रखिया जंगे जरमू के साहबा बदले की लोड़ पै गई और जो स्टाफा दारह सफा मुसलमाना द्रै सफा या साढ़े त्रै या चार इतनी तारीफ च मिलती हैं मुसलमाना द्रै सफा काफलों दारह सफा मुसलमाना बदले की लोड़ पै गई। हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह तआला अन्हु आप नाबीना भी हैं आप भी आ गए अपने आप में रह के उन्हें कहा जी मेरे भी ले चलो थे साहबा ने आपके साथियों ने अर्ज की उन्होंने कहा बाबा जी जंग लड़ेंगे या तुहानू संभालेंगे उत्थे जंग लड़ेंगे या तुहानू संभालेंगे तुसी सर नाबी ने हो आपने जड़ी गल फरमाई ना वो गल बड़ी कमाल है वो गल हर मोमिन वास्ते असासा आपने फरमाया यार मैं ले चलो नाल तुसी तां अखां वाले हो अल्लाह ना करे जंग का पासा पलट जाए साढ़े खिलाफ हो जाए जंग वो काफिर साढ़े ते हावी आ जान इज्जत कोई सौदा नहीं करोगे। जंग खत्म हो गई असी बाद चो जनाब शहीद दे लाशें इकट्ठे कर रहे सर उन्होंने जसद इकट्ठे कर रहे सर असी की देखा कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम वो शहीद हो गए लेकिन जड़ा झंडा ना सीने नाल इस तरह लाया होया सी ये उन्होंने अशाना ये वही तसलसल है कि बाबा जी दुनिया तो चले गए असी जेल टुर गए लेकिन खत्मे नबूवत का झंडा चुप के ज़ुहेब तलगंग की सरजमीन उत्ते आया और उन्हें आके कसे अपने खून के फवारे जारी करके कि बाबा जी असी तुहाडा झंडा थले नहीं डिगण दिता और असी ज़ुहेब के खून नाल वादा करते हैं उसके नाल वादा करते हैं कि जिस झंडे ने चुप के तुसी तलगंग चौक च गए सी उस झंडे ने चुप के तुहाडे जान निसार ते तुहाडे नाल चलण वाले भाई और चुप के वज़ीराबाद तक गए झंडा थले नहीं होया इस झंडे ने चुप के सानू लाल किले भी जाना पिया झंडा थले नहीं हो देंगे। कोई काफिर कोई गुस्ताख कोई बेदीन कोई पिल पिलाए समझे कि गल माठी पै गई और चले गल अगे ना भी बच गई आ गल अगे ना भी बच गई।